बीते शाम को अचानक घर से तीन बच्चों के एक साथ लापता होने पर ग्राम खैरा सहित आसपास अंचल में हड़कंप मच गया। वहीं रतनपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों को पास के गांव से बरामद कर लिया है। बच्चों के सकुशल वापसी से रतनपुर पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि 11 वर्ष और 8 वर्ष की बालिका एवं 7 वर्षीय बालक रतनपुर के समीपस्थ ग्राम पंचायत खैरा से अचानक बीती शाम करीब 4 बजे के आसपास लापता हो गए। आसपास रिश्तेदार एवं परिजन से पूछताछ के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर पालकों के साथ अन्य ग्रामीण जंगल एवं तालाबों में रात 3 बजे तक तलाश करते रहे। सुबह बच्चों के लापता होने की जानकारी देते हुए मुनादी भी कराई गई कि किसी के पास कोई जानकारी होने पर तत्काल संपर्क करें। वहीं मामले की जानकारी रतनपुर पुलिस को लगते ही थाना प्रभारी हरविंदर सिंह और टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बच्चों के खोजबीन में जुट गए। जिस सक्रियता और मामले की तह तक जिस अंदाज में पहुंचने और जिस गंभीरता के लिए उन्हें जाना जाता है, उससे एक बार फिर क्षेत्र में उनकी सक्रियता के चलते ही तीनों बच्चे जल्द ही मिल गए। तीनों बच्चों को थाना प्रभारी ने ग्राम खैरा से 8 किलोमीटर दूर रिश्तेदार अमित मरकाम के घर में धान का रोपा लगाते हुए बरामद कर लिया। बच्चों को सही सलामत और सुरक्षित पाकर परिजनों एवं ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए रतनपुर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ये तीन नाबालिग बच्चे हैं जो कल रात को अपने घर से गांव के किनारे घूमते घूमते अपने रिश्तेदार के यहाँ से 7 किलोमीटर दूर चले गए थे, जिन्हें आज सुबह जो है बरामद कर लिया गया है और बच्चे सकुशल हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। रात को कम्युनिकेशन नहीं हो पाने के कारण घर वालों को पता नहीं चल पाया था, इसलिए उनकी सूचना रात को नहीं मिल पाई थी। सर, पालकों के लिए कोई संदेश? पालकों के लिए संदेश यही है कि बच्चों को अपने निगरानी में रखें और बच्चों के गायब होने के या इस तरह चले जाने के बाद कम से कम जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे सबसे फ़ोन से संपर्क करें और बच्चों के ऊपर तो विशेष निगरानी रखने की ज़रूरत है। खासकर गाँव में जहाँ पर इस समय नदी नाले तालाब सब भरे हुए हैं, विशेषकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।